हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमंत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है फ्रेगमेंटेशन। आपने पुराणों में एक रक्तबीज नाम के राक्षस का नाम सुना होगा जिसको काली माँ चंडी ने गला काट कर मारा था। उसे वरदान था कि अगर उसका खून एक बूंद भी जमीन पर गिरेगा तो हजारों रक्तबीज पैदा हो जाएंगे। ऐसे ही जीव आज की दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, हमारे आसपास मौजूद हैं और इन जीवों को हम कह सकते हैं हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया। आप डायग्राम कुछ लगाए हुए हैं, हमने इन्हें देखिए। प्लेनेरिया जितने चाहे उतने टुकड़े कर दीजिए, हर टुकड़ा एक नए प्लेनेरिया को जन्म दे सकता है। दूसरी तरफ हमारे पास है स्टारफिश, हाइड्रा। आप इन्हें कितने भी टुकड़ों में बांट दीजिए, इनका हर टुकड़ा जिसे हम फ्रेगमेंट्स कहते हैं वो एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा, तो ये मर नहीं सकते। पेरेंट्स बॉडी दो या दो से ज़्यादा टुकड़ों में टूटती है और इसे हम फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ये फ्रेगमेंट्स एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स में डेवलप हो सकते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है, अभी आपको डायग्राम में बताया, अभी हाइड्रा, प्लेनेरिया, स्पायरोगैरा, स्पंजेस, सी एनिमोन, एकानोडर्म्स, राइजोपस, आप जितने चाहे उतने टुकड़े कर दीजिए, इनकी पॉपुलेशन कभी खत्म नहीं हो सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन से ही मिलता जुलता टॉपिक जिसे हम बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन बेसिकली शब्द को समझ लेते हैं, दोबारा से बनना, रीजनरेट होना। ये वो काबिलियत है जो कुछ जीवों के अंदर मौजूद होती है रिपेयर करने की और रीग्रो करने की आफ्टर पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ। व्हाट इज पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ? इसका मतलब है जन्म के बाद, एम्ब्रो के बाद की स्टेज, जो हम दुनिया में जन्म ले लेते हैं तो वो स्टेज पे है। आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो हमारी बॉडी भी रीजनरेट कर सकती है, हमारी कंप्लीट बॉडी रीजनरेट कर सकती है। लेकिन जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो हम रीजनरेशन पावर खो देते हैं, सिर्फ हमारी स्किन और लीवर पे ये पावर रह जाती है। रीजनरेशन दो टाइप के होते हैं। इसमें पहला जो टाइप आता है उसे हम बोलते हैं मॉर्फोलैक्सिस और जो दूसरा टाइप होता है उसे हम बोलते हैं एपिमॉर्फोसिस। तो पहले हम समझते हैं मॉर्फोलैक्सिस क्या होता है। मॉर्फोलैक्सिस का मतलब है बॉडी के थोड़े से भी सेल्स पूरी बॉडी को बना सकते हैं, यानी कुछ सेल्स अगर बॉडी के बच जाएं तो वो दोबारा से एक ऑर्गेनिजम्स में डेवलप हो सकते हैं, यानी पूरी की पूरी बॉडी कुछ सेल्स से बन सकती है। एग्जांपल के तौर पे आप हाइड्रा देख सकते हैं। हाइड्रा को कितने भी टुकड़े में काट दीजिए, हाइड्रा को अगर हम दो टुकड़े कर दें, एक ऊपर हेड और नीचे उसका बेस, तो बेस ऊपर हेड उगा लेगा और जो ऊपर हेड है वो अपना बेस उगा लेगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलैक्सिस। दूसरी तरफ होता है एपिमॉर्फोसिस। एपिमॉर्फोसिस मतलब कोई लिम्स या कोई बॉडी पार्ट अगर लॉस्ट हो गया है तो उसे हम दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। एपिमॉर्फोसिस के एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में एक तो है सेलेमेंडर का लार्वा जिसे हम बोलते हैं एक्सोलोटल, और दूसरी लिजार्ड, जो आपकी घरेलू लिजार्ड है वो अपनी पूंछ खोने के बाद भी ग्रो कर सकती है। आप देखिए जो एक्सोलोटल लार्वा है उसे मास्टर ऑफ रीजनरेशन भी कहते हैं, क्योंकि वो उसकी गर्दन भी काट दी जाए तो अपनी गर्दन को भी रीग्रो कर सकता है। और लिजार्ड के बारे में तो आप सभी जानते हैं, खतरे का आभास करते ही वो अपनी पूंछ को छोड़ देती है, इससे उसका जो प्रेडेटर होता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसका ध्यान पूंछ पर चला जाता है और छिपकली अपनी जान बचाकर भाग निकलती है। एपिमॉर्फोसिस के भी दो टाइप होते हैं। आप सामने डायग्राम में देखिए, आपको पता लग जाएगा ये शरीर के एक घाव को दिखाया गया है। ऊपर जो नंबर्स लिखे हैं ये दिन बता रहे हैं, तो ये दिखाया गया कि 14 दिन के अंदर ये घाव लगभग पूरी तरह भर गया है। तो एपिमॉर्फोसिस आपको थोड़ा सा हिंट लगा होगा, पहला टाइप रिपेरेटिव रीजनरेशन, इसमें बॉडी में जो भी नुकसान होता है, टिश्यू डैमेज होते हैं, उनको रिपेयर करते हैं, जैसे वुंड हीलिंग, चोट लगने पर उसका घाव को भरना, चोट का सही होना, इसे हम रिपेरेटिव रीजनरेशन कैटेगरी में रखते हैं। एपिमॉर्फोसिस का दूसरा टाइप होता है रिस्टोरेटिव रीजनरेशन, रीस्टोर, दोबारा से बनना। अगर किसी ऑर्गेनिजम्स का बॉडी पार्ट सीवियरली डैमेज हो जाए तो दोबारा से रीजनरेट करता है। इसका एग्जांपल हमारे घरों में मौजूद है, लिजार्ड अपनी जान को खतरे में देखते ही अपनी पूंछ को वहां पर छोड़कर भाग निकलती है, और जो प्रेडेटर होता है, शिकारी जो होता है, वो पूंछ की तरफ उसका ध्यान चला जाता है और लिजार्ड अपनी जान बचाने में कामयाब होती है। लिजार्ड अपनी पूंछ को दोबारा रीजनरेट कर सकती है और इसी प्रोसेस को हम रिस्टोरेटिव रीजनरेशन कहते हैं। इसी लिजार्ड अपनी पूंछ को बार बार शेड करती है अपनी जान बचाने के लिए, ये उसके लिए एक रामबाण है।